गुड मॉर्निंग फ्रेंड, आज के न्यू वीडियो लेके आए हैं। जैसे आज अगस्त 15 है, आज देख सकते हैं टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन सैमसंग में जैसे 1E एरर आ रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं? जैसे न्यू गेस्ट आज का पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करना, घंटे दबा देना। वीडियो को अभी शुरू करते हैं। अभी ऑन किया, उसके बाद उसको स्टार्ट किया है, देख सकते हैं वो स्टार्ट नहीं ले रहा है और ऐसा ही एरर आता है, देख सकते हैं। यहाँ से 1E एरर आ रहा है, आपको क्या करना है? पहले आपको पीछे ये वाला पहला वाला नोड हो, सेकंड यहाँ से नोड खोलना हो और नीचे चार नोड खोल करके आपको रेडी करना है। खोल के पहले उसका सेंसर चेक करना है। जैसे मैं सेंसर तक चेक किया हूँ, उसका सेंसर ख़राब है, हो गया था, इसलिए मैं दूसरा सेंसर लगा दिया हूँ। उसके बाद वो रेडी हो गया है, देख सकते ये सेंसर ख़राब हो गया था। उसका उसका पाइप भी चेक करना है नीचे से, उसको खोल के यहीं से ही बोल रहा हूँ, जो उसका पाइप है वहाँ से तो जैसे मूस और रहता है, मूसा का रहता है, उसको काट दिया तो उसको प्रॉब्लम हो सकता है। ओके, वीडियो रे अभी शुरू करते हैं, उसके बाद दोबारा से चेक करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लाइव चेक करते हैं। यहाँ से ऑन किया हूँ, यहाँ से देख सकते हैं मैं अभी ऑन किया हूँ और उसके बाद यहाँ से स्पिन दिया हूँ तो स्टार्ट कर दिया हूँ। वहाँ से जैसे भी ये प्रॉब्लम होता है, ये एरर आता है, पहले उसको सेंसर का चेक करना है। ओके, सेंसर चेक करने से आपको पता चलेगा ठीक ठाक सेंसर है कि नहीं। यहाँ से उसका ट्रेन अभी हो रहा है, देख सकते हैं। यहाँ से ट्रेन हो रहा है, देख सकते हैं ये स्पिन चल रहा है, अभी हो गया है स्पिन। ओके, मशीन ओके हो गया, न्यू